हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस के फायर स्टडी गाइड में। आज हम बात करेंगे फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाले पंपों के विषय में। पंप उस मशीन को कहते हैं जो किसी बाहरी शक्ति से चलाई जाती है। वो अपनी विशेष बनावट द्वारा तरल पदार्थों को तेजी से बहने की शक्ति प्रदान करती है। यह बाहरी शक्ति मनुष्य के हाथों द्वारा पेट्रोल, डीजल इंजन या बिजली के मोटर की हो सकती है। पंप के प्रकार, पंप दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और नॉन सेंट्रीफ्यूगल पंप। नॉन सेंट्रीफ्यूगल पंप ये भी दो प्रकार के होते हैं, इजेक्टर पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप चार प्रकार के होते हैं, फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट एंड प्लंजर पंप और रोटरी पंप। अभी हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमारा जेट इंजेक्टर पंप। जेट इंजेक्टर पंप वेंचुरी सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ज़्यादातर एल्यूमिनियम का बना होता है। इसके एक साइड 63 mm और दो तरफ लगभग 100 mm का डाया होता है। इसमें पानी का जेट बनाने के लिए एक वाटर इनलेट, एक सेक्शन इनलेट, ये वाटर इनलेट, ये सेक्शन इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इसे सामान्य पंप या हाइड्रेंट द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसे चलाने के लिए दूसरे पंप से पानी का प्रेशर दिया जाता है। इसे जहाज के तलों में, गड्ढों में, बेसमेंट में, जहाँ एक सामान्य पंप को नहीं ले जा सकते, वहाँ पर इजेक्टर पंप उपयोग में लाया जाता है। ये ज़्यादा हल्का तथा उपयोग में आसान है। अभी हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसमें पानी आगे पीछे या ऊपर नीचे धक्का देकर सीधी चाल में आता जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप कहलाते हैं। इसमें पिस्टन को एक पिस्टन राड से जोड़ा जाता है, पिस्टन राड को कनेक्टिंग राड से जोड़ा जाता है, कनेक्टिंग राड को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ा जाता है, उसे मोटर से जोड़ते हैं। जब मोटर चलती है तब क्रैंकशाफ्ट घूमने से उसके साथ पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। पिस्टन जब सिलेंडर में आगे जाता है तब डिलीवरी साइड की एनआरवी खुल जाती है और जब पीछे जाता है तब सक्शन साइड की एनआरवी खुलकर पानी अंदर आ जाता है। ये एनआरवी एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करती हैं, यानी एक खुलेगी तब दूसरी बंद होगी। अभी हम देखते हैं, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, इसको किसी मोटर आदि से जोड़ा जाता है जिसकी मदद से ये चलता है और ये ऐसे घूमने लग जाता है। इसको घूमने से कनेक्टिंग राड मूव करती है, कनेक्टिंग राड मूव करती है तो ये पिस्टन यहाँ से इधर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। ये जब इधर आगे जाता है तब यहाँ की एनआरवी खुल जाती है ऐसे, और जब ये पीछे आएगा प्रेशर से तब यहाँ की एनआरवी आउटलेट की एनआरवी खुल जाती है। यानी एक खुलेगी तो ये बंद हो जाएगी और ये बंद होगी तो ये खुल जाएगी। इसके आगे पीछे मोशन करने से पानी लगातार चलता रहता है। इसको हम पिस्टन कहते हैं, इसको सिलेंडर बोलते हैं जिसमें पिस्टन पूरा लगा हुआ है, ये इसको सिलेंडर बोलेंगे। ये डिलीवरी वाल है, यहाँ पर यहाँ सेक्शन वाल है एनआरवी के रूम में, इसको सम्प लेवल कहते हैं जहाँ पर हमारा पानी रखता है। ये कनेक्टिंग राड जिसको पिस्टन राड से जोड़ा गया है और ये क्रैंक जो घूमती है, घूमने के साथ ही ये सारा कार्य करती है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिव पंप ये चार प्रकार के होते हैं, फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट तथा प्लंजर पंप और रोटरी पंप। अभी हम बात करेंगे फोर्स पंप के बारे में। इस पंप की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, ये पिचकारी की भांति कार्य करता है। ये गोलाकार स्थान में ठोस पिस्टन के खींचने पर हवा को खींचता है तथा दबाने पर हवा को बाहर फेंक देता है। इसमें से सारी हवा बाहर निकल जाने पर ये यहाँ पर एनआरवी लगी है, एक एनआरवी यहाँ, एक एनआरवी यहाँ पे। जब ये पिस्टन ऊपर से दबाव देता है तो ये वाली एनआरवी बंद हो जाती है, ये वाली एनआरवी खुल जाती है, और जब पिस्टन ऊपर जाता है इस मोशन में यहाँ से ऊपर जाएगा तब ये वाली खुल जाएगी जिसकी वजह से ये पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगी। जब पानी यहाँ तक ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद जब ऊपर से पिस्टन नीचे आएगा तब ये एनआरवी बंद हो जाएगी और पानी यहाँ से इस एनआरवी के थ्रू बाहर आउटलेट से बाहर चला जाएगा। ऐसे ही है, कंटिन्यू चलने से पानी इसके अंदर आता रहता है और आउटलेट से बाहर जाता रहता है।
इसके अंदर की हवा ऐसे ही बाहर निकलती रहती है। इनलेट और आउटलेट पर NRV लगे होते हैं, यानी इनलेट में आया हुआ पानी वापस बाहर नहीं जा सकता, उसी प्रकार आउटलेट से निकला हुआ पानी फिर वापस अंदर नहीं आ सकता। अभी आ गया हमारा लिफ्ट पंप। यह पंप भी फोर्स पंप के समान ही होता है, परंतु इसका पिस्टन ठोस न होकर बीच में से पोला होता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसमें एक नॉन रिटर्न वाल लगा होता है। जब पिस्टन को बाहर खींचते हैं, इनलेट का वाल खुल जाता है और पिस्टन का वाल बंद हो जाता है। इसके फलस्वरूप पिस्टन ठोस पिस्टन के रूप में कार्य करते हुए हवा को खींचता है। पिस्टन को वापस दबाने पर पिस्टन का वाल खुल जाता है, फलस्वरूप पंप में आई हुई हवा बाहर न जाकर पिस्टन के बीच से बाहर निकलकर दूसरी ओर चली जाती है तथा इसी ओर स्थित आउटलेट से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार लगातार ऐसा करने से पंप से सारी हवा निकल जाने के पश्चात वायुमंडल के दबाव से पंप में पानी आने लगता है और दबाव पाकर बाहर निकलने लगता है। नगरों और गांव में पानी के हैंडपंप इसी प्रणाली पर कार्य करते हैं। अभी हम देखते हैं, ये यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके यहाँ पर एक NRV लगी है यहाँ पर पिस्टन के साथ। जब हम इसको नीचे लेकर जाते हैं तब इसकी ये NRV, यहाँ वाली NRV एक खुल जाती है। NRV खुल जाने से क्या होगा, जो पानी यहाँ पर आता है वो पानी इस पिस्टन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो ये वाली NRV बंद हो जाएगी और बंद होने से पानी फिर ऊपर चला जाएगा और पानी आउटलेट से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही बार बार कंटिन्यू करने से ये पानी ऊपर नीचे जाता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बकेट तथा प्लंजर पंप। ये पंप भी दोनों पंपों का एक मिश्रण है, लिफ्ट पंप और फोर्स पंप। इसका पिस्टन भी बीच में खोखला होता है और नॉन रिटर्न वाल से बंद रहता है। इनलेट में भी नॉन रिटर्न वाल लगा रहता है। यह पंप खींचने और दबाने पर पानी पंप करता है। इसमें और लिफ्ट पंप में केवल इतना अंतर होता है कि इसके पिस्टन मोटे पाइप या प्लंजर से बंधा होता है। जब ऊपर नीचे होता है तो मोटा पाइप स्वयं जगह घेर कर पानी में दबाव पैदा करता है और आउटलेट से तेजी से पानी बाहर निकालने में सहायक होता है। स्ट्रप पंप में बकेट एंड प्लंजर पंप ही कार्य करता है। ये सेम ऐसे ही है। इसमें ये देखिए, ये पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से जब प्रेशर डलेगा, प्रेशर डलने के बाद हमारे लिफ्ट पंप में क्या था, ये खोखला था। अब इसमें क्या है, ये ठोस रूप में है। ये जब नीचे जाएगा तो इसके साथ एक वाल लगा होगा, उसके साथ ही इसको सारे पानी को लेकर के ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर यहाँ से आउटलेट से बाहर हो जाएगा। सेम लिफ्ट पंप और फोर्स पंप की तरह ही है। आगे चलते हम रोटरी पंप। यह पंप ऊपर दिए गए तीनों पंपों से अलग होता है। पंप में एक चैम्बर के अंदर धातु के बने दो विशेष आकार के चक्के गोलाई से घूमते हैं। ये चक्के जो आप दिखाई दे रहे हैं, जिनको मास्टर गियर और स्लेव गियर बोलते हैं, ये एक केसिंग के अंदर फिट होते हैं। ये जो ऊपर वाला सिरा है, जो इनका कवर है, उसको हम केसिंग बोलते हैं, केसिंग या चैम्बर। और इधर वाले को इसको बोलते हैं मास्टर गियर, इसको बोलते हैं स्लेव गियर। ये जो नुकीले से नुकीले हैं, ये इसको बोलते हैं गियर टीथ, जिसके अंदर ये चक्के फिट होते हैं, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट। और ये हमारा इनलेट, ये हमारा आउटलेट। ये इस प्रकार से घूमते हैं, एक बार की साइड इधर से बाहर ऐसे घूमेगा, दूसरा इधर से इधर घूमेगा। ऐसे घूमते घूमते पानी को यहाँ से सक करेंगे, हवा को खारिज करने के बाद फिर इधर से ऐसे ऐसे लेते हुए ऐसे ऐसे जाएगा पानी, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे निकल जाएगा आउटलेट की तरफ। जैसे सामने दृश्य में दिखाया गया है, ऑयल सर्कुलेटिंग का काम इसी पंप से होता है। आगे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। यह पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार कोई भी घूमती हुई वस्तु की अपने चक्कर के केंद्र से दूर छिटकने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। इस पंप में किसी भी प्रकार के पिस्टन, प्लंजर या राड की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमिंग करने के बाद जब पानी इंपेलर में आता है, तब इंपेलर के तेज गति से घूमने के कारण पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है।
यह पंप बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने से अग्निशमन सेवा में ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग कैसे होता है। ये यहाँ पर इंपेलर होता है, यहाँ पर इंपेलर होता है, इंपेलर के बीच में इंपेलर आई होती है। जब प्राइमर से या इंपेलर आई तक पानी पहुँचा दिया जाता है, उसके बाद इंपेलर के तेज गति से घूमने के कारण पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। यह पंप बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने से अग्निशमन सेवा में ज़्यादातर उपयोग में है, फिर भी इसमें कुछ गुण और दोष पाए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुण, ये बनावट में छोटा तथा स्थान कम घेरता है, पानी का बहाव निरंतर व दबका रहित होता है या निरंतर चलता रहता है, पानी का बहाव इंजन को बंद किए बगैर रोका जा सकता है, किसी भी इंजन या बिजली मोटर से सीधा जोड़ा जा सकता है, इसमें कम मात्रा में कल पुर्जे होते हैं, इसका रख रखाव मेंटेनेंस सरल है। दोष, इसकी क्षमता रेसिप्रोकेटिंग पंप से कम है, इस पंप को पानी उठाने के लिए अलग से प्राइमरी की जरूरत है, यह ज़्यादा गहराई से पानी उठाने के लिए अच्छा नहीं है। विशेषताएं, एक निर्धारित पंप की गति पर अगर डिस्चार्ज शून्य हो तब प्रेशर अधिकतम होता है, जब डिलीवरी वाल्व बंद हो, जब डिलीवरी वाल्व खुले हों तो डिस्चार्ज के बढ़ने पर प्रेशर में कमी आती है, पंप की गति या स्पीड बढ़ाने पर डिस्चार्ज तथा प्रेशर दोनों में बढ़ोतरी होती है, सक्शन जितना गहरा होगा उतना ही डिस्चार्ज में कमी आएगी। इस पंप के मुख्य दो भाग होते हैं, इंपेलर तथा केसिंग। इंपेलर यह एक गोलाकार गन मेटल को ढलाई करके बनाया हुआ होता है जिसमें वेंस होती हैं, जैसे सामने दृश्य में नजर आ रहे हैं इंपेलर, इसमें ये नुकीली नुकीली, इसको वेंस बोलते हैं, वेंस होती हैं। वेंस को दोनों तरफ से दो पार्टों से घेर दिया जाता है। यह इंजन शाफ्ट पर मजबूती से जड़ा होता है। सक्शन इनलेट से पानी जब एक छिद्र के द्वारा इस इंपेलर में प्रवेश करता है, जिसे इंपेलर आई कहते हैं, यह पानी को वेलोसिटी और काइनेटिक शक्ति प्रदान करता है। इंपेलर तीन प्रकार के होते हैं, ओपन इंपेलर, सेमी इंपेलर और क्लोज इंपेलर। अभी हम बात करेंगे ओपन इंपेलर के बारे में। इसमें दोनों साइड में प्लेट नहीं लगी होती है तथा इंपेलर पूरा खुला रहता है। यह कीचड़ युक्त गंदा पानी या सीवर लाइन का पानी उठाने में सक्षम होता है। दूसरा हमारा सेमी इंपेलर, ये सामने जो दृश्य में दिखाया गया है, इसके एक साइड में प्लेट होती है, दूसरी साइड से खुला रहता है। यह चिकनाई युक्त पानी को उठाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हमारा क्लोज इंपेलर, इसके दोनों साइड से ढके रहते हैं, दोनों साइड इसके बीच में वेंस होते हैं, इसके दोनों साइड प्लेट लगी होती है, इसे ज़्यादातर शुद्ध पानी उठाने के काम में लाया जाता है। यह ज़्यादातर फायर सर्विस में इसी को उपयोग में लाया जाता है। आगे आती है हमारी केसिंग, इसका मुख्य कार्य यह है कि यह इंपेलर द्वारा फेंके गए तेज गति से पानी की काइनेटिक शक्ति को प्रेशर शक्ति में परिवर्तित करता है, ये हमारी केसिंग। आगे हमारा वॉल्यूट, इसकी शक्ल गोंगे के खोल की तरह होती है। इंपेलर से फेंका गया पानी एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जिसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता है। ये देखिए इसमें ये यहाँ से आकर पानी ऐसे धीरे 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 यहाँ पर जाकर एक खुले रूप में आ जाता है। नेक्स्ट गाइड वेंस, इंपेलर में तेज गति से फेंके गए पानी को सही दिशा देना गाइड वेंस का कार्य है। इसमें केसिंग में ही फिक्स्ड वेंस बना दी जाती हैं। ये देखिए अभी वेंस, ये जो नुकीली नुकीली चीज़ें बनी हुई हैं ये सभी वेंस हैं। आगे आते हमारी ग्लैंड पैकिंग, पंप शाफ्ट और पंप केसिंग के जोड़ पर ग्लैंड पैकिंग लगाई जाती है जिससे उस स्थान से हवा या पानी लीक ना हो सके। यहाँ पर ये पैकिंग लगाई गई है, ये हमारा इंपेलर लगा हुआ है। आज हमने जाना पंप कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस कारणवश मैं आपको सभी पंपों के विषय में विस्तार से नहीं बता पाया। आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें एक एक पंप को विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आगे जो वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।